गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब लोग आ चुके हैं और सब लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है। इसका सेकंड पार्ट कब कराएंगे? इसका सेकेंड पार्ट जो है ना 28 तारीख के बाद शायद होगा, 25 या 28 के बाद होगा। यानी कि पेपर 2 25 या 28 से ही शुरू होगा। आदर्श, आप मुझे क्लास के बाद कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? गुड आफ्टरनून। कल एक घटना घटित हुई थी जिसके ऊपर आप लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, मैंने ग्रुप देखा और आप लोग भी इस चीज की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो चीज हो जाएगी। लेकिन लाइफ में हमें बहुत सारी बातों को सीखने जरूरी होता है। हम लाइफ में क्या कुछ सीख सकते हैं और हमने जो कुछ पढ़ा है हम उसे कब तक अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमने सीखा है क्या हम उसे परमानेंट अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना है, डेली करंट अफेयर्स अपडेट रहना है, ये बात सबको पता है और यही सही रास्ता भी है। लेकिन हम में से कितने लोग इसको कंटिन्यू कर पाते हैं? पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमें सही रास्ता पता होते हुए भी हम जो है गलत रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं जाने अनजाने में। वही इंसिडेंट कल एक हुआ जहां पर बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हुए इस घटना को लेके। क्या हमें इसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए? क्या ये जो घटना है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है महत्वपूर्ण? क्या दुर्खीम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है क्यों, क्या वो यहाँ पे अप्लाई होगा? अगर अप्लाई होगा तो हमें उन सारी चीजों को देखना होगा कि सभी एस्पेक्ट पे आपकी नजर होनी चाहिए। अभी तरह तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आप इस पे कोई प्रतिक्रिया ना बनाए तो ही अच्छा है, क्योंकि जब तक एक्चुअल कारण नहीं पता चलेगा हम आत्महत्या के सिद्धांत को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा पॉसिबल है? जब तक हमें एक्चुअल रीजन ना पता हो पाए तो हम क्या इसकी इसका सही मूल्यांकन कर पाएंगे, इस घटना का नहीं कर पाएंगे ना। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, किन हालातों में वो व्यक्ति हार गया जो दुनिया को जीना सिखाता था। जब छिछोरे पिक्चर लॉन्च हुई थी तो ये डायलॉग बहुत चला था, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। तो ये आप लोग जो 2020 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी अप्लाई होता है कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हमने कोशिश की या नहीं की डिमांड के अनुसार वो मायने रखेगा हमेशा। अभी भी समय है प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने का, देर नहीं हुई है। आप चाहें तो इस एग्जाम को बचे हुए 100 दिनों में आराम से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अच्छा, हाँ कोई बात, उसको भी बताते हैं कैसे। नमस्कार नमस्कार, हम इस बात को स्पष्ट कर दें फिर उसके बाद हम लोग ये बताएंगे कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। आप सभी को पता होगा कि मेरा इकोनॉमी का कोर्स आ रहा है और मेरा इकोनॉमी का कोर्स प्रीलिम्स एग्जाम से पहले ही खत्म हो जाएगा, 2 महीने चलेगा। प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज रात 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है।
अगर हम इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसको अच्छे से पढ़ लें और मेरा ईयरली करंट अफेयर्स देख ले, क्यों नहीं निकलेगा? सबसे बड़ी बात है कि क्या हम एक पॉइंट पे जाके फोकस हो पाते हैं? क्या हमारा जिंदगी का डायरेक्शन सिर्फ एक तरफ है? कहीं हम भटक तो नहीं रहे? जिंदगी में भटकाव बहुत है। आज ये जो सुसाइड हुई है, कल जो ये सुसाइड हुई है, कहीं ना कहीं ये समाज का भटकाव था, कहीं ना कहीं ये भटकाव था, जहां पे ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें जिंदगी के किस रास्ते को चुनना है और वो रास्ता सही है या नहीं। हम दो सिचुएशंस देंगे। क्या किसी व्यक्ति के जाने के बाद से क्या हम जीना छोड़ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई जिंदगी से छोड़ के चला जाए तो क्या हम जिंदगी जीना छोड़ दें? नहीं। यानी कि मैसेज बस यही मिल रहा है कि जिंदगी में उम्मीदें जो है किसी से रखनी नहीं चाहिए। अगर जिंदगी में उम्मीदें रखनी है तो सिर्फ किससे रखेंगे? खुद से? मुझे सिर्फ स्वयं से उम्मीद होनी चाहिए कि मैं जिंदगी में क्या कर सकता हूं और जो कुछ भी करूंगा मैं अपनी काबिलियत के दम पे करूंगा, ये भरोसा होना चाहिए। दुनिया का काम है धोखा देना, लेकिन उस धोखे की वजह से हम अपने जीवन को समाप्त कर लें, ये अच्छी बात नहीं होगी। ये जो बात मैं आज कह रहा हूं, जो सुशांत जिस मानसिक स्थिति से गुजरे थे, यूपीएससी का छात्र भी कभी ना कभी गुजरता है। और हम लोगों ने यूपीएससी के छात्रों को मुखर्जी नगर में और इलाहाबाद में सुसाइड्स करते हुए सुना है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है। जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम ये डिसाइड करेगा कि हमारी जिंदगी रहेगी या नहीं। ये कैसी सोच है? ये कैसी मानसिकता है? अरविंद पनगाड़िया जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, वो सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं निकाल पाए और फिर भी वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने। तो टैलेंट तो कभी नहीं मरता है। आपको अपने टैलेंट की कद्र होनी चाहिए। जिंदगी में जो आज आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं किसी दिशा में जरूर मिलेगा, लेकिन हम ये एक्सपेक्टेशन रखें कि हमें सिर्फ यही चाहिए तो कोई जरूरी नहीं है। कोई बात नहीं अनिल, कोई बात नहीं। जिंदगी में सिर्फ जो है सिर्फ अपने लिए जीना सीखिए। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को जिंदगी देने के चक्कर में अपनी जिंदगी जो है ना खो दे। छिछोरे पिक्चर जो है जरूर आप लोगों को देखनी चाहिए, इन लाइफ की इंस्पिरेशन आपको देगी। क्योंकि लाइफ में कोई ये नहीं बताता है कि फेलियर के बाद लड़ना कैसे है, ये कोई भी नहीं बताता है। अगर कोई नहीं बताता है तो भाई चलना कैसे है? खुद को ही तो चलना पड़ेगा। दुनिया कभी भी आपको नहीं बताएगी कि आपको करना क्या है फेल होने के बाद। कोई बताता है? फेल होने के बाद लोग तो खुशियां मनाते हैं, है ना? लोग फेल होने के बाद खुशियां मनाते हैं। और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई आपके दुखों पे नमक छिड़के। तो आपको वो सारी चीजें खुद से लड़नी होगी। जिंदगी का सपना आपने देखा है, पूरा ना हो या हो ये आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। जिंदगी की बागडोर अगर आपके हाथ में है तो फिर आपका जीवन कैसे खत्म हो सकता है? ये जो आत्महत्या हुई है, ये हो सके डेफिनेटली इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एस्पेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाए, डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो आपको इस घटना पे बहुत अच्छे से नजर रखनी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जिंदगी का जो सपना है वो आपने खुद देखा था, किसी और ने तो देखा नहीं था।
तो आपको ये चीज पूरी करनी है, और जिंदगी का ये सफर जो है ना उसमें बहुत बाधाएं आएंगी, इस बाधा से आपको खुद लड़ना पड़ेगा। किसी का सपोर्ट सिस्टम कभी भी मत पाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप उम्मीदें रखेंगे ना तब तक आपको दुख होगा, और जिस दिन उम्मीद करना छोड़ देंगे ना उस दिन आप दुनिया के सबसे खुशी इंसान हो जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को डिसाइड करनी है कि आप समाजशास्त्री हैं और आप उस नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करिए। हिस्ट्री के लिए जावेद सर को फॉलो कर लीजिए, हिस्ट्री के लिए जावेद सर को आप लोग फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। हाँ, दोनों के लिए है ना। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा जो आप लोगों को याद रखनी है यूपीएससी की तैयारी में। साइंस एंड टेक के लिए संतोष शर्मा जी को फॉलो कर लीजिए, है ना, संतोष शर्मा साइंस एंड टेक के लिए। और किसी का एनवायरनमेंट के लिए, किसने पूछा था एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए मधुकर जी, हाँ, तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए, देखिए है ना। मैं अगर जो चीजें मैं बताता हूँ वो बेस्ट बताता हूँ, जो बेस्ट है वो है, बाकी आपकी चॉइस है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बेस्ट बताऊंगा आपको। हिंदी लिटरेचर तो संतोष वो पढ़ा रहे, सुनील जी पढ़ा रहे। चलिए, बाकी लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में आ सकते हैं रात में 9 बजे से। आज से शुरू हो रहा है इकोनॉमी का कोर्स, ये आपकी च्वाइस है। मैंने बता दिया हिंदी लिटरेचर के अभी एक ही सर हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं अभी आपके पास। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी जावेद सर को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री के सर ही आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी के लिए अंकुर सर को फॉलो कर लीजिए, अंकुर यादव जी को, ठीक है। ज्योग्राफी ये मेरी लिस्ट है जिन्हें आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कम से कम 18 महीने के करंट अफेयर्स देखना जरूरी होता है, 15 से 18 महीने, ठीक है। 15 से 18 महीने अगर आप देख लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, मैंने बता दिया है, ठीक है ना। चलिए, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। किसी का कोई डाउट या क्वेरी, लेकिन जो चीजें मैं बताता चल रहा हूँ, करंट अफेयर्स का जो चैलेंज है इस ऑप्शनल में, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करके रखिए। खासकर यूनिट 6 जो हम लोगों ने कार्य और आर्थिक जीवन के ऊपर देखी, फिर चाहे वो यूनिट हो थिंकर्स के ऊपर और या फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, 4th, 5th, 6th, ये यूनिट जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा। अब हम लोग परिवार के प्रकार के बारे में जानेंगे,
ना, क्योंकि समाज की भूमिका, परिवार की समाज में क्या भूमिका है, इसे हम लोग जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने सारी चीजें जान ली थी, संयुक्त परिवार तक हम लोगों ने समझ लिया था कि संयुक्त परिवार किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है और उसके कौन कौन से अंग होते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन लिखने के लिए दिया था, क्या आप सबने लिख लिया है? नहीं लिखा है तो लिखना प्रारंभ कर दीजिए, है ना। काफी लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखिए। आंसर चेक हो या ना हो, आप अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करिए, क्योंकि इससे अगर मैं देखिए, अगर मैं आंसर नहीं भी चेक करता हूं तो इसमें नुकसान आपका नहीं है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसमें नुकसान आपका है। क्योंकि लिखेंगे तो आपकी हैबिट अच्छी होगी और आपकी एक समझ डेवलप होगी उस टॉपिक के प्रति। तो आप लोग आंसर राइटिंग तो डेफिनेटली करते चलिए। 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद जो है प्रीलिम्स ओरिएंटेड फोकस हो जाइएगा, और बाकी लोग भी होंगे जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अलग नजरिया है जिसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ये जो संयुक्त परिवार है या परिवार है, इसके विभिन्न कार्य हमने देखे हैं जीवन में। हमारे समाज में जब किसी व्यक्ति का परिवार नहीं होता है तो क्या उसे समाज की विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है कि नहीं? मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका कोई परिवार नहीं है, तो उसके जीवन से लेके मृत्यु तक उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे उसके भौतिक विकास से हो, चाहे वो सामाजिक विकास से हो, चाहे वो सांस्कृतिक विकास से हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक विकास से हो, चाहे उसके आर्थिक विकास से हो। परिवार हर एक विकास को प्रभावित करता है, इस बात से आप एग्री करते हैं? यानी कि हम सभी को ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए कि हमारे पास क्या है, फैमिली है। अगर फैमिली नहीं होती तो आज हम लोग यहां पे नहीं होते, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, और यूपीएससी की जर्नी को एंजॉय ना कर रहे होते। पहले पहले विकास की तरफ जाएंगे कि इससे क्या क्या होता है परिवार से। सामाजिक विकास, दूसरा सांस्कृतिक विकास, तीसरा मनोवैज्ञानिक विकास। देखिए, कुछ बातें जो है ना आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, ये आपको जो है खुद से समझना पड़ेगा। आर्थिक विकास, सर उस दिन मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, क्या आज क्लास के बाद कर? हाँ बिल्कुल कर लीजिएगा। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, हाँ पूछ लीजिए पूर्णिमा। क्या जो व्यक्ति जिसका परिवार नहीं है, क्या वो कोई त्योहार एंजॉय कर पाएगा? क्या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर पाएगा? अगर वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो क्या वो दुनिया का खुशहाल व्यक्ति है? हम त्योहार क्यों मनाते हैं? त्योहार हम इसीलिए मनाते हैं कि जिंदगी की जो बाधाएं हैं उन सबको भूल के उस दिन कम से कम एंजॉय कर सके। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो हमेशा से ऐसी रही है कि जहां पे हम सेलिब्रेशन मनाएं। कुछ ऐसे दिन हो जहां पर हम सारे दुखों को भूलकर खुशी मनाएं। गरीब भी दिवाली मनाता है, भले उसके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन उस दिन वो अपने घर में दिए जरूर जलाता है। पूर्णिमा, पहले दिन से क्लास, पहले लेक्चर से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा। जिंदगी का यही सच है, कोई भी कोर्स हो पहले लेक्चर से अटेंड करेंगी तो प्रशासन की तरह एक नजरिया आपका डेवलप हो पाएगा और हर सब्जेक्ट को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, हर सेक्शन को अच्छे से कनेक्ट
कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि इकोनॉमी की क्लास आज से शुरू हो रही है, नया कोर्स शुरू हो रहा है, उसको पहले दिन से ज्वाइन कर लें। सामाजिक विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या ये जो समाज है अनाथ बच्चों को सामाजिक प्रेम देता है? हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं हम लोग? हाँ, दोनों तरीके से होगा। हमारा ये जो समाज है सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करता है जिनकी फैमिली होती है। एनजीओ को छोड़ के या कुछ अपवादों को छोड़ के वो अनाथ बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अनाथ बच्चों को कोई घर पे नहीं बुलाता है। अब जब वो बच्चे समाज का हिस्सा ही नहीं बन पाए तो वो समाज के मूल्यों को जानेंगे कैसे? क्या ये पॉसिबल है जो व्यक्ति समाज का हिस्सा ही नहीं बन पाया वो समाज के विकास में कैसे योगदान दे पाएगा या सामाजिक विकास कैसे कर पाएगा, अपना समाज के मूल्यों को कैसे अपना पाएगा? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसमें दोष किसका है? उस बच्चे का दोष है या समाज का दोष है? पूरी तरह से सोसाइटी का दोष है? हम ये मानते हैं कि पूरी तरह से समाज का दोष है। कोई व्यक्ति विकलांग पैदा हुआ तो उसमें उसका दोष है? नहीं, उसका बिल्कुल भी दोष नहीं है। लेकिन विकलांगता की वजह से जो व्यवहार समाज करता है तो उसमें तो सिर्फ समाज का ही दोष है। जब समाज बना था, समाज यानी कि 10-5 लोग रहे होंगे, 10-5 लोग रहे होंगे किसी समूह में, तो उसे समाज मान लिया जाता है। तो वो जो समाज बना था उसके लिए कोई मानक बनाए गए थे? कोई मानक नहीं बनाए थे। इस समाज के लोगों ने ही मानक बनाए हैं, जिंदगी में अपने अनुसार जीने के लिए कुछ मानक बना दिए हैं। कुछ लोग मलिन बस्तियों में जाना पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग गरीबों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग भूखे और अनाथों को पैसा तो देना पसंद करते हैं, वेलफेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन उनसे मिलना पसंद नहीं करते हैं। और जब ये चीजें नहीं हो रही हैं तो सामाजिक मूल्य उनके जीवन में दिखेगा कहां से? एक गरीब अमीर से नफरत क्यों करता है? वजह पता है? एक गरीब आदमी अमीर से नफरत क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वो अमीर जो है खून चूसने के लिए ही पैदा हुआ है और वो सिर्फ गरीब का ही खून चूसेगा, शोषण करने के लिए ही पैदा हुआ है ये अमीर व्यक्ति, इसलिए नफरत करता है गरीब। क्योंकि अमीर आदमी ने कभी प्यार दिखाया नहीं, और अगर जिस भी गरीब को किसी अमीर ने प्यार दिखाया है उसकी नजर में अमीर भी अच्छा है। लेकिन ये जो परिवार है, आप सोचिए कि हमने समाज में तरह तरह के लोगों को और तरह तरह के सदस्यों से मुलाकात की होगी। जिस भी परिवार में पिताजी का अभाव होता है, जिस परिवार में, वहां पर समाज का नजरिया अलग हो जाता है। जिस समाज में पेरेंट्स नहीं होते, माता पिता नहीं होते हैं, उस समाज, उस परिवार के लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका अलग हो जाता है। जिस समाज में माता पिता ना हो और सिर्फ लड़कियां हो, वहां पर लोगों के व्यवहार करने का तरीका अलग हो जाता है। इन सब बातों में किसका दोष है? दोष किसका है? समाज का ही दोष है।
पूरी तरह से समाज ही उत्तरदायी है ऐसी घटनाओं और ऐसे एक्शंस के लिए। अगर कोई विधवा है, अगर कोई विधवा है तो समाज क्या करता है, लिबर्टी लेने की कोशिश करता है, शोषण करने की कोशिश करता है, एक मौके की तलाश में रहता है। क्या ये सच है? तो अगर ये सच है तो उस महिला का दोष तो बिल्कुल नहीं है, दोष तो सिर्फ समाज का है। परिवार के रूप में हम क्या कहेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई पत्नी है, कोई लड़की है, उसका विवाह हो गया और पति जो है एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गया और वो क्या हो गई, विधवा हो गई। परिवार, उसका परिवार तो कौन था, उसका पति था। अब देखिए यहां पर क्या होगा, लड़के के फैमिली वाले हो सके उसको निकाल दें, यहां पे ये भी हो सकता है कि लड़के के फैमिली वाले उसको निकाल दें, ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा भी है, निकाल भी देते हैं। यानी कि एक्चुअल में उसकी फैमिली क्या थी, उसका पति ही। अब जब किसी की फैमिली ही नहीं रहेगी तो समाज क्या करेगा, सिर्फ शारीरिक शोषण की चाहत में रहेगा महिलाओं के प्रति। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल नहीं दिया था कि जिस परिवार में सिर्फ लड़कियां हों और उनके माता पिता ना हो, तो ऐसे में क्या होगा, उनके शारीरिक शोषण की कोशिश करेगा समाज। लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से उन बच्चियों का कोई दोष नहीं होगा। अब ये बताइए कि किसी भी प्रकार से इस सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन जिसमें लड़कियों के माता पिता नहीं है, इन दोनों ही सिचुएशन में इन दोनों ही लोगों का क्या शारीरिक सामाजिक विकास हो पा रहा है, किसी भी प्रकार से क्या सामाजिक विकास हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि उन्हें जो है समाज के उन मूल्यों से नफरत है, उन रिश्तों से नफरत है। आज हमारे समाज की बहुत सी लड़कियां रिश्तों से नफरत करती हैं, बहुत से रिश्तों से नफरत करती हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं शारीरिक शोषण हुआ है या शारीरिक शोषण का प्रयास किया गया रिश्तों के नाम पर। तो जो समाज के मूल्य विकसित किए गए, क्या उनकी नजर में वो सामाजिक मूल्य है, जिनके साथ भी अगर इस प्रकार का शोषण हुआ है, जिस भी नजरिए से हुआ है, जिस भी दृष्टिकोण से हुआ है, क्या वो उन मूल्यों को समाज में एक्सेप्ट करेंगी? कभी भी नहीं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो परिवार है, परिवार हर एक प्रकार के विकास के लिए एक जिम्मेदार कारक है, एक महत्वपूर्ण संस्था है। लोग कहते हैं कि परिवार परिवार है यार, मेरे फैमिली वाले ऐसे हैं, मेरी बात को समझते नहीं है। हम लोग हमेशा परिवार से कुछ ना कुछ गिले शिकवे रहते हैं, हम सबकी शिकायतें रहती हैं, परिवार से कुछ ना कुछ रहती हैं कि नहीं, सभी की कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं, थोड़ी रहेंगी लेकिन रहेंगी जरूर। लेकिन कभी हमें ये नहीं पता होता है कि इसी परिवार की वजह से हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। समाज में एक डर है फैमिली की वजह से, जब ये फैमिली नहीं रहेगी तो हमारा जो पूरा विकास है पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। हमने आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होंगी जब फैमिली में बहुत सारी बाधाएं आई होंगी, और जैसे ही फैमिली में बाधाएं आई वैसे ही आपने समाज का वास्तविक रूप देखा देखा होगा, रियल में हुआ होगा।
क्योंकि बाधाएं तो ये जीवन की पार्ट है। और फिर हमें परिवार की वैल्यू पता चलती है, रिश्तों की वैल्यू पता चलती है कि परिवार कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कभी त्योहार नहीं मनाते हैं, और मनाएं भी तो किसके साथ मनाएं, कोई तो होना चाहिए जिनके साथ सुख दुख बांट सके। जब फैमिली ही नहीं होगी तो फिर खुशियां किसके साथ मनाएं? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे और आप उनके साथ दिवाली मनाएंगे, उनके साथ त्योहार मनाएंगे। क्योंकि आपका नजरिया कुछ और हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि समय के साथ जो है ना विकास करते हैं सामाजिक रूप से। धीरे धीरे आप भी उसी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। जितना आप यूपीएससी को समझेंगे, जितना आप सोसाइटी को समझेंगे, जितना आप लर्निंग की तरफ फोकस करेंगे, उतना ही जो समाज है वो आपको आकर्षित करता चला जाएगा। और आकर्षित किस रूप में करेगा? जहां पर आप किसी की कमी को पूरा कर सकते हैं, और आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। क्योंकि आपको ये पता है कि जिंदगी में जो सुख मुझे मिला है वो सामने वाला भी पा सकता है, उसका उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। किसी के पेरेंट्स किसी कार एक्सीडेंट में किसी दूसरे की लापरवाही से मर जाएं, तो उसमें उस व्यक्ति का क्या दोष? हमने देखा है कि बहुत सारे लोग सेफ ड्राइविंग करते हैं, लेकिन जो सामने वाला थर्ड पर्सन है उसके दोष की वजह से किसी और का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर किसी थर्ड पर्सन की वजह से फर्स्ट पर्सन की लाइफ स्पॉइल हो जाती है, और सब समाज ही कर रहा है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा है। समाज कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूंगा, मान लेते हैं कोई एक्स व्यक्ति है, उसके पेरेंट्स किसी यात्रा पर गए हैं और वो सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने दारू पी के रखी जो सामने से आ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इस व्यक्ति ने इस कार को ठोक दिया और गलती से ये लोग एक्सपायर कर गए, ठीक है, यहां तक एक्सपायर कर गए। अब ये क्या होगा, इनका परिवार का साया खिंच गया। अब बताइए, इसका ही दोष है, ये समाज का ही दोष है? अब इस व्यक्ति के साथ जो है, इसकी जो बड़े पापा की फैमिली या किसी भी प्रकार के जो भी लोग जुड़े होंगे, वो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी को अपने नाम करने की कोशिश करेंगे, या किसी भी प्रकार से जो भी मिसबिहेव कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इनका सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा है। सपोर्ट सिस्टम तो चला गया। अब ये बताइए, सब जिम्मेदार कौन है? समाज ही है, मौके की तलाश में है सब। पूरी दुनिया मौके की तलाश में है। तो इसमें कहीं भी एक्स पर्सन का दोष है? एक्स पर्सन के साथ जो बिहेव हो रहा है उसमें इस व्यक्ति का कहीं से भी दोष नहीं है। किसका दोष है? समाज और हालातों का। कभी कभी हम जो है अपने आप को बहुत दोष देते हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनके लिए हम जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सच होता ही नहीं है। मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो कुछ हालातों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में हालात जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशंस को क्रिएट कर देते हैं, और हम जिंदगी भर यही मानते हैं कि ये हालात मेरी वजह से आए।
लेकिन एक्चुअल सच ये है। अब जैसे मान लेते हैं यहां पर, बस मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, यहां पे ये जो एक्स है इसने कहा कि पापा आप लोग घूम कर आएंगे तो मेरी शादी आराम से हो जाएगी, शादी धूमधाम से होगी, है ना। उसने कहा कि आप तीर्थ यात्रा पे घूम आइए, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी शादी से पहले चाहता हूं कि आप तीर्थ यात्रा घुमाएं, फिर मैं शादी करूंगा। अब वो जिंदगी भर ये मान के चले कि अगर मैंने ना बोला होता तो शायद ये ना होता, क्या इस व्यक्ति का दोष है? अभी भी एक्स का कहीं दोष है ये बताइए? एक्स का दोष नहीं है। सब कुछ क्या होता है? समाज का दोष होता है, परिवार की इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलती है जब परिवार के लोग साथ छोड़ देते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि जब लोग सुसाइड, क्या कहते हैं, लोग भागकर शादी कर लेते हैं, मोहब्बत में लोग या आशिकी में लोग इस कदर पागल हो जाते हैं कि वो भागकर शादी कर लेते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि लोग, वो जो पति पत्नी है वो अलग हो जाते हैं। हो जाते हैं ना, तो उसमें किसका दोष है? क्योंकि वो परिवार को कभी भूल ही नहीं पाए। सरोज ने बात कही कि वो गिल्टी फील करेगा हमेशा, है ना। सोचिए कि अगर हम, क्या बात कर रहे हैं, हम हमेशा लॉजिक्स के साथ हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग लॉजिकली बात करें, लेकिन जब हम लॉजिकली सोचते हैं तो उस इंसान को कहीं से भी ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। और जब वो इंसान, मैं सोच रहा था ना कि मैं आपको ये बात, यही तो बात कर रहा था कि इंसान हमेशा अपने आप को जिम्मेदार ठहराता रहता है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन एक्चुअल में वो जिम्मेदार नहीं होता है। क्योंकि हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, समाज ऐसा कर देता है, समाज उसको गलत ठहरा देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस नई विवाहित पत्नी के ऊपर लोग आरोप लगा देते हैं, लगाते हैं कि अरे बहुत अपशगुन है लड़की, बहुत आते आते मेरे बेटे को खा गई, पिक्चरों में देखा है, मूवी में देखा है, लेकिन एक्चुअल में उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। और एक समय के बाद उसको ऐसा लगने भी लगता है कि उसकी वजह से ही उसका पति मर गया। अब ये बताइए, क्या वो पत्नी कभी भी अपना सामाजिक विकास कर पाएगी जिसको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ऐसा हो पाया? कभी नहीं कर पाएगी ना, वो सोसाइटी से प्यार कर पाएगी और ना उनके मूल्यों से प्यार कर पाएगी। क्या वो दोबारा विवाह करने की कोशिश करेगी? कभी वो विवाह नहीं करना चाहेगी क्योंकि उसे नफरत हो गई है उस चीज से। लेकिन क्या विवाह करना उसके जीवन का, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बताइए। जिंदगी में क्या उसे विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या वो विवाह के लिए हकदार है कि नहीं? जिंदगी में अगर किसी इंसान ने उसको धोखा दे दिया, किसी भी इंसान ने किसी भी लड़की को अगर धोखा दे दिया, तो क्या उस लड़की को दोबारा हक नहीं है कि वो दोबारा एक नए जीवन की शुरुआत किसी अच्छे इंसान के साथ कर सके? उसे हक है। और जब उसे हक है तो कहीं ना कहीं वो लड़की डरेगी कि नहीं डरेगी? अगर मान लेते हैं कि अगर कोई लड़की, उसके जीवन में कोई अच्छा लड़का आ भी गया, तो क्या उसे डर रहेगा कि नहीं रहेगा? आप लोग बताइए, हमेशा उसे डर रहेगा कि कल को मेरे साथ फिर से दोबारा वो चीज ना हो जाए। किसका दोष है? उसके इस हालात की वजह से जो वो सोच रही है उसमें किसका दोष है? समाज का दोष है, क्योंकि समाज जो है ना उसके करेक्टर को डिफाइन करने लगेगा। बात यह है कि कल को अगर कुछ ऐसा हो भी जाए तो लोग
उंगली किसके ऊपर करेंगे? उसके ऊपर। लेकिन परिवार को तो समझना होगा ना। अब जैसे नीशु लेट आ गई, अब ये सॉरी बोल रही है, इनको सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके हालात वैसे नहीं रह पाए होंगे कि ये क्लास में एंटर कर पाए, लेकिन इन्हें समय मिला तो ये क्लास में एंटर कर गई। अगर हम इनको दोषी बना दें तो क्या ये नजरिया सही रहेगा, बताइए? क्योंकि सबके हालात अलग अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। लेकिन क्या जाने अनजाने में समाज से गलतियां होती हैं कि नहीं, परिवार से गलतियां होती हैं या नहीं होती हैं? और अगर गलतियां होती हैं तो उन गलतियों को सुधार समाज ही तो करेगा, या वो व्यक्ति करेगा जिसने गलती की ही नहीं है? कभी कभी समाज बिल्कुल इस वजह से झुक जाता है, नहीं, लोग इस वजह से झुक जाते हैं कि समाज कभी ना कभी बदल जाएगा। लोग रिश्तों को इतनी इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं और उस इंपॉर्टेंस को देने में इंसान ये भूल जाता है कि उसकी गलती है भी नहीं, और फिर भी वो सॉरी बोल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि परिवार की वैल्यू क्या है। होता है ना कि हम परिवार को समझते हैं कि वो परिवार वास्तव में उसके लिए कितना उपयोगी है। कितने लोग विवाहित हैं इस क्लास में? कितने लोग विवाहित हैं लड़कों के मामले में? लड़के अगर कोई ऐसा विवाहित हो, ऐसा बहुत लगता है। अब मान लेते हैं कि किसी भी पर्सन की वाइफ जो है 6 महीने उसके साथ थी और वो 1 हफ्ते के लिए मायके चले जाए और उसे कुछ नहीं आता है, कुछ भी करना नहीं आता है, जिंदगी के सारे काम वो करती थी, तो उसे क्या उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी? तब उसे उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस पता चलेगी, और फिर वो क्या करेगा, जिंदगी भर क्या करेगा, जिंदगी भर उस रिश्ते को कभी खोने नहीं देगा। अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन देखी होंगी जब लगा होगा कि परिवार जो है खतरे में है, और उस परिवार की सारी सिचुएशन समय के साथ सब ठीक हो गई, तो फिर उसके बाद से जो परिवार से प्यार था ना, वो दुगना हो जाता है, क्योंकि आपने उन सारी उस घटना के दौरान सारी निगेटिविटी सोच ली थी, सारी जितनी भी निगेटिविटी आपके दिमाग में आ सकती थी, जितने भी एस्पेक्ट आ सकते थे वो सारे एस्पेक्ट आपने सोच लिए, और उसकी वजह से आपको उस परिवार से और प्यार हो गया, अपने परिवार से और भी ज्यादा प्यार हो गया है। आप सोचिए कि आप चाहे जितने भी होनहार हैं, है ना, आप मान लेते हैं बहुत अच्छे हैं, आपकी सरकारी नौकरी है, लेकिन परिवार नहीं है, तो कुछ फैमिली तो आपसे विवाह करने से मना कर देगी ना, कोई ना कोई, कुछ फैमिली समाज में ऐसी होंगी जो आपको सिर्फ इस बिहाफ पर विवाह करने से मना कर देगी क्योंकि आपकी फैमिली नहीं है, क्या ऐसा होगा? और अगर होगा तो उसमें उस इंडिविजुअल का क्या दोष, ये बताइए? होता भी है, जितना हम लोग मूवी में देखते हैं उतना रियल में भी होता है। जिंदगी की जंग कौन हार जाता है? जो अंदर से हार जाता है, जो अंदर से जीता हुआ व्यक्ति है, क्या वो जिंदगी की जंग हार सकता है? जिसकी मेंटल एबिलिटी जो है बहुत स्ट्रांग है, क्या वो जिंदगी की जंग कभी हार सकता है? कभी नहीं हार सकता।
पॉसिबल ही नहीं। हाँ बिल्कुल, हिमानी ने कहा कि ऐसी छोटी सोच वाले लोगों से रिश्ता ही क्यों, हम क्या करते हैं, हमारे समाज में क्या हो रहा है, जब रिश्ते जुड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं। आज के समाज में जब रिश्ते जुड़ते हैं दो परिवारों के बीच में तो क्या देखा जाता है बताइए, कोई बता सकता है कि जब दो परिवार के बीच में रिश्ता जोड़ा जाता है तो क्या देखा जाता है। उनके आर्थिक आर्थिक हालात, था बिल्कुल स्टेटस एक तरीके से बोला जाए। हम लोगों ने स्टेटस के ऊपर एक लेक्चर पूरा कंप्लीट किया था ना, स्टेटस के ऊपर हम लोग कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति देखते हैं कि पिताजी क्या करते हैं, भाई क्या करता है, और नहीं भी कुछ करता है तो पढ़ा कितना है, अगर उसने बीटेक किया है तो हाँ लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतर कर ले जाएगा। अब सोचिए कि आपने बीए किया है, आपकी छोटी बहन ने भी बीए किया है, आपके बड़े भाई ने भी बीए किया है, आपके पिताजी ने भी बीए किया है, नॉर्मल सी नौकरी है, लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होगा और वहां पर विवाह करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर तीन लोग हैं जिन्होंने बीटेक किया, एक ने एमटेक किया, एक ने एमबीए करके रखा हुआ, तो लोग वहां पर विवाह करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर हम क्या देख रहे हैं, परिवार की योग्यता देख रहे हैं, और योग्यता के अनुसार ही एक संबंध दूसरे संबंध से जुड़ते हैं। लेकिन फैमिली ही नहीं है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं, यहाँ पे लड़के की फैमिली भी नहीं है और लड़की की फैमिली भी नहीं है, क्या इनके संबंधों के जुड़ने में कोई बाधा है, संबंधों के जुड़ने में कोई बाधा नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल इन दोनों का पसंद होगी तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि अगर कोई भी एक्स व्यक्ति है या कोई एक्स पुरुष है जिसकी फैमिली नहीं है, वाई जो लड़की है बहुत प्यार करती है, तो हो सकता है ऐसा कि उसकी फैमिली जो है तैयार ना हो। लड़की तैयार है, फैमिली नहीं तैयार है, अब इसमें दोष किसका है, उस फैमिली का दोष है ना, तो लड़की का दोष है और ना लड़के का, दोष सिर्फ लड़की की फैमिली का है, और दोष एक और चीज का है कि उसकी उस लड़के की फैमिली नहीं है, दो लोगों का दोष, दो सिचुएशंस का दोष है, एक तो उस लड़के की फैमिली नहीं है, दूसरा लड़की की फैमिली का नजरिया अलग है, उसमें फॉल्ट है। अब ये बताइए, क्या वो व्यक्ति कभी भी किसी लड़की को पसंद करने से पहले उसके दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या होगा, किसी भी लड़की से अगर वो बातचीत करना चाहेगा या फिर कोई भी विवाह का अप्रोच करना चाहेगा तो उससे पहले उससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, उससे पहला क्वेश्चन होगा कि मेरी फैमिली नहीं है, क्या तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी, है ना। अब ये बताइए कि इस सिचुएशन में इस व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक विकास हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, अवसाद की स्थिति में चला जाएगा। लाइफ में होता भी है, लोग चले जाते हैं और उनका दोष नहीं होता है, लाइफ में दोष किसका होता है, उनके हालातों का होता है। वो ये भी तो सोच सकता है कि उसे जो है सही हुआ उसके साथ, क्योंकि वो लोग योग्य नहीं थे। जब वो एक छोटी सी चीज नहीं देख पाए कि मेरे अंदर मोहब्बत कितनी है, और वो सिर्फ इस ब्याह पर शादी तय करने से मना कर रहे हैं कि उनकी फैमिली है या नहीं। लेकिन हम किसी भी समाज में जब किसी का विवाह होता है तो क्या किया जाता है, लड़के को देखा जाता है कि लड़का जो है योग्य है या नहीं,
लड़का उसको खुश रख पाएगा या नहीं, ये देखा जाता है। शादी में जरूर आना मूवी जो है वो इस सिचुएशन पे क्यों गई, क्योंकि लड़की को ऐसा लगता था कि वो लड़का जो है उसे सपोर्ट नहीं करेगा, इसी वजह से वो शादी के दिन भाग जाती है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? अब वो जिंदगी भर क्या करेगा, नफरत करता था उससे, नफरत करता था। फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, कितनी फैमिली की इंपॉर्टेंस है। जिंदगी के हर पहलू को सिर्फ फैमिली ही खूबसूरत बना रही है, जाने अनजाने में। आपकी जेब में पैसा नहीं होता है और फिर भी लोग जो है मोहल्ले में आपको सामान दे देते हैं, आपका खाता चलता है, आपकी योग्यता पर नहीं चलता है भाई, आपकी फैमिली की वजह से चलता है आपका खाता। लोग मोहल्ले में आपको क्यों बुलाते हैं, क्योंकि आप फलाने के लड़के हैं, आप उस फैमिली से रिश्ता रखते हैं, इस वजह से लोग आपको बुलाते हैं। और लोग आपको ना बुलाएं, लोग आपको ना बुलाएं, आपको कैसा लगेगा? आपको कहीं ना कहीं समाज से नफरत होगी, उस मोहल्ले से नफरत होगी, और जहां पर जाएंगे वहां पर भी नफरत होगी, जिस भी सोसाइटी में जाएंगे वहां पर सोसाइटी से नफरत होगी। कहीं ना कहीं आपका मनोवैज्ञानिक विकास जो है, यानी कि मानसिक विकास रुक गया है, रुका है। और ये मानसिक विकास हमेशा आपको परेशान करेगा। कुछ लोग फैमिली से तंग आकर सुसाइड्स कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े डेली होते हैं। हम लोगों ने बक्सर वाले डीएम के बारे में सुना था ना, कि वो अपनी पत्नी से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है और घर आने के बाद वाइफ से लड़ाई झगड़ा हो और अगले दिन फिर ऑफिस में काम करे, क्या ये पॉसिबल है? इसलिए तो लोग कहते हैं ना कि जीवन साथी हमें कैसा चाहिए, समझदार होना चाहिए। आज के युवाओं की सबसे पहली पसंद क्या होती है, कि सामने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर दृष्टिकोण में उसको समझने वाला होना चाहिए। ये टॉपिक इतना इमोशनल है, हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर इसको इतना डेप्थ में जाके नहीं समझेंगे तो आप इतना बेहतर आंसर नहीं लिख पाएंगे। आप अगर इस क्लास को खत्म करने के बाद अगर आपसे 250 या 400 शब्द भी बोले जाएंगे तो आप विद क्लेरिफाई, यानी कि विद एग्जांपल, आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर पाएंगे फैमिली की इंपॉर्टेंस को, और विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार। आज जिंदगी में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल आने वाले समय में नौकरी करेंगे, नौकरी के बाद शादी करेंगे, और फिर आपकी फैमिली बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कहीं ना कहीं इमोशंस की वजह से ही ऐसा हो पाया कि इमोशनल अटैचमेंट था आपको यूपीएससी से। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो यूपीएससी का हेड ऑफिस देखते हैं, जहां पर इंटरव्यू होता है धौलपुर में, और जब भी उस ऑफिस को देखते हैं तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि लोग जो है ना बरसों से उसी जगह पर जाने के लिए तरसते हैं। ठीक उसी प्रकार से लोग बहुत समय बाद अपनी फैमिली से मिलते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है, उनसे प्यार होता है और हालातों की वजह से वो नहीं आ पाते। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो अपने पहले अटेम्प्ट में जो है यूपीएससी का इंटरव्यू जरूर दे, हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू जरूर दे। लेकिन अगर वो नहीं दे पाता है तो उसे क्या होता है, एक अफसोस होता है, और हमेशा अटैच्ड रहता है। रहता है ना,
देखा सरोज की बात, देख रहे कितनी इमोशनली अटैच्ड है। देखिए इस कमेंट में देखिए कितनी भावुकता है। अगर आप इस कमेंट को किस नजर से देखेंगे, एक माँ के नजर से देखेंगे, लेकिन हम लोग उस फीलिंग को नहीं समझ सकते ना। हम लोग क्या उस फीलिंग को उस तरीके से समझ सकते हैं? नहीं। लोग कह देते हैं ना भावनाओं में, कभी ना कभी कह देते हैं कि तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते हो। कोशिश तो कर सकता है उस लेवल पे जाके, लेकिन एक्चुअल में उस दर्द को नहीं समझ सकता। एक अनाथ का दर्द क्या होता है, एक्चुअल में वही समझ सकता है जो सिचुएशन से गुजरा हो। एक बेघर का दर्द वही समझ सकता है जो बेघर रहा हो। क्या होता है कि हम पढ़ते तो बहुत है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है तो हम वहां पे फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं ना। लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि हम जिंदगी में उस दौर से भी आगे हैं जहां पर हमने बहुत चीजों को देखा है और बहुत कुछ समझ कर आगे बढ़ गए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आप इन्हीं पर कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ना आज लाइफ में, कल इसी के ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। एक चंद्रमोहन गर्ग आईएएस ऑफिसर है, चंद्रमोहन गर्ग, उनका ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। 2015 में पास आउट थे, 2014 या 15 की बात है, वो उस बैच की आईएएस ऑफिसर है। उनके ब्लॉग्स को मैं पढ़ता हूँ, उनको फेसबुक पर मैंने फॉलो किया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जब इंसान किसी भी चीज को एडॉप्ट कर लेता है, उससे प्यार कर लेता है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है ना कल ग्रुप में बहुत इमोशनल हो गए थे, है ना, बहुत लोग घटनाओं को अलग एस्पेक्ट में समझने लगे थे। तो मैंने बस सिर्फ यही कहा था कि आप लोग अब समाजशास्त्री बन गए हैं, लेकिन वहां पे ये था कि हर घटना की संवेदनशीलता हमेशा मायने रखती है। कभी भी किसी भी इंसान की संवेदनशीलता जो है ना, वो एक समय तक जरूर बनी रहनी चाहिए। कोई भी इंसान बुरा हो या अच्छा, अगर आप उसकी उसके अंतिम संस्कार पे जाते हैं तो क्या करते हैं? संवेदनशील होते, सारी चीजें करते हैं। लेकिन हम अगर उसका कंपैरिजन किसी अदर सिचुएशन में करने लगे उस दिन, उसी दिन, तो वो एक गलत, आप चाहकर भी आप जो चीजें अच्छी बताना चाह रहे हो वो गलत साबित हो जाएंगी। कल ऐसा ही कुछ हुआ था, कल ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन उसमें दोष उस व्यक्ति का था नहीं, क्योंकि उसका कहने का तरीका भी, वो उसने भी ठीक ही कहा था, लेकिन बस वो समय ठीक नहीं था। बस क्या वो समय ठीक था वो बात करने का? बस वक्त ठीक नहीं था। क्वेश्चन ठीक था, वक्त ठीक नहीं था। वक्त की नजाकत को हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक मिडिल क्लास फैमिली से आया था, और वो आगे चल के जो है ना, अब आगे चल के उसने नाम रोशन किया। आप भी जो है ना, आगे चल के जो है, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आगे चल के आईएएस बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो लोग आपको उस नजरिए से नहीं देखेंगे कि आपने जो है ना, अरे छोड़ दीजिए राजन, खत्म करिए बात को, है ना, उन सब चीजों पे क्यों जाएं। अरे वो तो बहुत सारे डायमेंशंस है ना, डायमेंशंस तो बहुत सारे हैं, है ना। हम किसी भी घटना को हम बोल रहे ना कि कभी भी संवेदनशीलता हमेशा मायने रखती है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो व्यंग है ना, ये आपको एक सिविल सेवक जरूर बनाएगा। व्यंग की अवधारणा अपने जीवन में अपना कर रखिएगा।
जो व्यंग करना सीख गया ना, वो वास्तव में समाज को मैसेज भी दे देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो एक्चुअल में वो अपने नजरिए से सोच लेगा और आपने अपनी बात कह भी दी। ये चीज याद रखिएगा, आपने किसी को ठेस भी नहीं पहुंचाई और अपनी बात को आपने कह भी दिया। अगर कल मैंने कमेंट ऑफ ना किया होता तो ये रात को 12 बजे तक डिस्कशन चलता और बहुत जोरों से चलता, और जो लोग नहीं भी जुड़ना चाह रहे थे वो लोग भी जोरों शोरों में जुड़ जाते हैं, है ना। एक्चुअल में हम क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और क्या एक प्रशासक को अपने इमोशंस पे नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नहीं होगा तो आप ही का नुकसान होगा। ये जो परिवार है, परिवार कहीं ना कहीं आपके आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है। आज के युवा जो है अपने परिवार को भूल गए। मैंने बहुत स्पीड से लोगों को बदलते हुए देखा है, बच्चों को माँ बाप के प्रति बिहेव को बदलते हुए देखा है। ऐसा हुआ है ना, हुआ है कि नहीं? बदलते हुए लोग बदल रहे हैं, लेकिन आज जो बच्चा अच्छी नौकरी पाकर अपने माँ बाप को भूल जा रहा है, तो वो ये बात भी भूल गया है कि आज जो कुछ भी है वो अपने माता पिता की वजह से ही है ना। आज मैं हूं या आप हैं, जो कुछ भी है, जिस भी सिचुएशन में है, सिर्फ अपने परिवार की वजह से ही है, या जो कुछ भी बनेंगे सिर्फ उन्हीं की वजह से बनेंगे बनेंगे। यानी कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक विकास के बाद अपने माता-पिता को भूल जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? माता-पिता जिम्मेदार हैं कि वो बच्चा जिम्मेदार है, ये बताइए। पूरी तरह से ये बच्चा जिम्मेदार है। लोग कहते हैं कि वाइफ के आने के बाद हमारा बेटा तो ठीक था, लेकिन जब से इसने शादी कर ली ये पूरी तरह से बदल गया है। अब ये बताइए कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है या ये दोनों जिम्मेदार है या ये जिम्मेदार है? ये बताइए कौन जिम्मेदार है? लड़का जिम्मेदार है, वाइफ जिम्मेदार है, या दोनों जिम्मेदार है? वाइफ के बाद बेटा स्टेटस। ये बहुत अच्छी लाइन कही, वाइफ इज माई लाइफ। लेकिन एक्चुअल में कौन जिम्मेदार है? हालात जिम्मेदार है, हालात जिम्मेदार है ना। कभी कभी लड़का चाह कर भी जो है ना, जैसे कुछ लड़के होते हैं जो पूरी तरह से माँ बाप को बॉयकॉट कर देते हैं, पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर देते हैं ना, तो उसमें तो जिम्मेदार से बच्चा ही है, लड़का ही जिम्मेदार है ऐसी सिचुएशन में, है ना। एक ऐसी सिचुएशन होती जहां पे ये लड़का कुछ करना चाहता है, वाइफ मना करती है, और वो कर नहीं पाता है। तो अब उसमें कौन जिम्मेदार है? अब पूरी तरह से जिम्मेदार कौन होगा?
वाइफ भी जिम्मेदार है और लड़का भी जिम्मेदार है ना, दोनों ही जिम्मेदार है। यहाँ पे सिर्फ उसकी वाइफ को जिम्मेदार ठहराना वो गलत है, क्योंकि हम किसी की वजह से हम जिंदगी के एक्शन बदल सकते हैं। क्या हम वाइफ की वजह से नौकरी पे जाना बंद कर सकते हैं? बताइए, क्या वाइफ की वजह से कभी आप नौकरी जाना बंद कर देंगे? तो माँ बाप से मिलना क्यों बंद कर देते हैं? माँ बाप से फोन पे बात करना क्यों बंद कर देते हैं? आपने वो बागवान पिक्चर देखी है? बागवान पिक्चर जो है ना, आज के सेक्शन से, यानी कि आज का जो टॉपिक है, उससे पूरी तरह से फिट बैठती है ना? हाँ, हर टाइम वाइफ जिम्मेदार नहीं होती है। सही है। एक चीज याद रखिएगा, जब बागवान पिक्चर खत्म होने वाली होती है और सेरेमनी होती है जहां पे वो बुलाया जाता है, तो वो कहता है कि ये मेरे पिताजी नहीं, सलमान खान कहता है कि ये मेरे पिताजी नहीं, मेरे भगवान है ना? वो क्यों कहता है? क्योंकि उन्होंने जो है ना परिवार का सहारा दिया था, क्योंकि वो क्या था, अनाथ था, और उसे वैल्यू पता थी कि परिवार की वैल्यू क्या होती है। जिसके पास जो चीज नहीं होती है ना, उसको उसकी इम्पोर्टेंस पता होती है, और जिसके पास जो चीज होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। जैसे उन बच्चों के पास माँ बाप तो इतने अच्छे थे, लेकिन उन्हें क्या थी, उनकी कदर नहीं थी, और जिसके पास जन्म से वो चीज नहीं थी उसे क्या थी, कदर थी। उसने इंसान को भगवान का दर्जा दे दिया, क्योंकि उसे पता था कि आज जो कुछ भी है सिर्फ अपने पिताजी की वजह से है। वो एक्चुअल में ऐसा था, एक्चुअल में ही ऐसा था। आज का हमारा जो भौतिक समाज है, जो भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, इसी को तो लोग आर्थिक विकास कह रहे हैं। जिसके पास भौतिक संसाधन है, भौतिक विकास की सुविधाएं हैं, जिसके पास गाड़ी पैसा सारी चीजें हैं, उसे ही आर्थिक विकास कहते हैं। और ये आर्थिक विकास सिर्फ परिवार की वजह से आया। आपके पिताजी ने कहीं ना कहीं फोन घुमाया होगा, आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली, या फिर आपको ये सपोर्ट सिस्टम मिला, कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से ही आपको कभी ना कभी सपोर्ट सिस्टम मिला होगा। मान लेते हैं आपको प्लस ही मिला, तो वो फैमिली की वजह से ही मिला। लेकिन उन चार बच्चों को उन्होंने ही पालन पोषण किया था, तो वो सब ऐसे क्यों हो गए? देखिए, लाइफ में क्या होता है, हम कह रहे ना कि ये भौतिक विकास ही इंसान को सब कुछ लगता है। आज का जो पूंजीवादी समाज है, आज क्या कर रहे हैं लोग, सिर्फ भौतिक विकास के लिए परिवार से दूर रह रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं भी जो है इसका एग्जाम्पल हूं कि मैं कहीं ना कहीं इन सब भौतिक विकास के लिए क्या कर रहा हूं, परिवार से अलग हूं। ये आर्थिक विकास की भाग दौड़ है ना, जहां पे इंसान जो है परिवार से भाग गया, बच गया, परिवार से अलग हो गया, और उसको तब वैल्यू पता चलती है जब समय बीत जाता है। आपने बागवान पिक्चर में देखा था कि जब सब कुछ हो गया, तो उसमें से एक छोटा बेटा था, उसने कहा था कि अरे हम लोग के मम्मी पापा हैं, माफ तो कर ही देंगे, है ना? लेकिन माँ बाप भी एक हद तक ही तो माफ कर सकता है। कभी कभी किसी रिश्ते को समय पर खत्म कर देना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे जो है माँ बाप को
आजकल वो बन गए ना वृद्धाश्रम, वहां पे छोड़ाते हैं, खासकर स्मार्ट सिटी में, डेवलप्ड सिटी में ऐसा हो रहा है। तो क्या माँ बाप को, ऐसे माँ बाप को बच्चों से रिश्ता नहीं खत्म कर लेना चाहिए? क्योंकि उन्हें तो सिर्फ आर्थिक विकास दिख रहा है, दिख रहा है ना आर्थिक विकास, सिर्फ इसी वजह से वो वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं। अगर मान लेते हैं उन्हीं पेरेंट्स की अगर 75,000 रुपए पेंशन आती, तो क्या वो पेरेंट्स को छोड़ते वृद्धाश्रम? कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। इन चार बिंदुओं को अगर आपने सविस्तार समझ लिया, तो वास्तव में ये जो परिवार है उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, उसके कार्य समझ में आएंगे। हम जाने अनजाने में परिवार और समाज के उन मूल्यों को तोड़ देते हैं सिर्फ अपनी इच्छा के लिए, सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। बायकॉट शब्द मत यूज किया करिए, मुझे किसी और चीज की याद आती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो आर्थिक विकास है, राजन समझ गए क्या? आर्थिक विकास की इस भागदौड़ में परिवार से रिश्ता खत्म करना या परिवार की उपयोगिता को नहीं समझना, ये क्या होगा? गलत होगा। हम कितने लोग परिवार को इंपॉर्टेंस देते हैं? आप में से कितने लोग परिवार को सबसे प्रायोरिटी पे रखते हैं? कितने लोग हैं दुनिया में हर किसी के पास? अच्छा, अरे कोई बात नहीं, बायकॉट शब्द का मेरा पर्सनल एस्पेक्ट था, है ना, बायकॉट से सिर्फ मेरा पर्सनल एस्पेक्ट था, वो उसका किसी भी चीज से लेना देना नहीं था। कुछ लोग, हाँ सही बात है, कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए, हाँ आप लोग सबको अपनी फैमिली प्रायोरिटी होती है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए परिवार के अगेंस्ट चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो फिर मुझे पता चलता है कि अरे वो फैमिली तो मुझसे आज भी उतनी मोहब्बत करती है, क्योंकि हम आज भी उनका हिस्सा थे और कल भी रहेंगे। लाइफ में जब आप गलतियां करते हैं, किसी भी रिश्ते के साथ धोखा करते हैं, अगर वो आपसे प्यार करता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कोई रिश्ता आपके साथ प्यार करता है तो वो माँ बाप का रिश्ता होता है, बाकी और कोई रिश्ता नहीं होता है जो जिंदगी भर आपसे प्यार करेगा। आपके माँ बाप ही आपके असली सगे होते हैं, ऐसा बोला जाता है ना, और रियल में भी होता है। कभी भी वो आपका साथ जो है कभी नहीं छोड़ते, कभी वो आपका साथ नहीं छोड़ते, तो हम उनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? आप जब किसी बच्चे को खिलाते हैं, आपने कभी ना कभी किसी बच्चे को जरूर खिलाया होगा, छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे से छोटे बच्चे को बड़ा करने में माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी चीजों को वो छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजों, बहुत सारी जगहों पे वो जाना मना करते हैं सिर्फ बच्चे की वजह से। और वही बच्चा आगे चल के अगर छोड़ दे तो माँ बाप को कितना बुरा लगेगा, परिवार को कितना बुरा लगेगा।
माँ बाप अगर दुखी रहते हैं, बच्चा अपनी मर्जी से शादी कर ले, तो माँ बाप का दुखी होना सही है या गलत, ये बताइए। सही है ना? आप में से कुछ हाउसवाइफ भी हैं, बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं कभी कभी क्लास भी नहीं ले पाते होंगे, या कभी कभी फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से आप लोग क्लास नहीं ले पाते होंगे, है ना? फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से नहीं ले पाते होंगे। और फिर फैमिली आपको ना समझे तो दुख तो होगा, दुख होगा ना। लेकिन फिर आप लोग ये याद रखिएगा कि दुख होने का भी क्या फायदा, क्योंकि आज यही वो फैमिली है, कोई नहीं समझता। लेकिन याद रखिएगा कि जो फैमिली है ना, यही आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना, आपके ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है। सर कोरोना पॉजिटिव है मुझे, फैमिली का आज बहुत ज्यादा। किसको कोरोना पॉजिटिव, कौन कोरोना पॉजिटिव है? आप कोरोना पॉजिटिव हैं? कब ऐसा हुआ? देखिए जिंदगी में ये जिंदगी की जंग जीत गए, ये जिंदगी की जंग या कोरोना की जंग कभी हार ही नहीं सकते, कभी नहीं हार सकते। इन्होंने एक लाइन बोली ना कि फैमिली इनके साथ है, राजन जैसे इंसान कोरोना क्या किसी को भी मार भगाएगा। राजन को तो कुछ ऐसी जैसे वायरस जो है ना, वो परेशान भी नहीं कर सकता है। तो सकता है लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जिंदगी में हर दिन वायरस आते हैं, और ये तो कितने सारे वायरस को ग्रुप में डिलीट कर देते हैं, है ना? बहुत सारे वायरस से ही लड़ते हैं हर दिन ग्रुप में। तो ये तो छोटा सा वायरस है, ये लड़ ले जाएंगे जिंदगी में। और देखिए पूरी टीम है आपके साथ, पूरी क्लास है आपके साथ। अच्छा कोई बात नहीं, जिंदगी में आलिया भी तो है वहां पे। हाँ सबसे बड़ी बात तो भूल गए थे हम लोग, आलिया भी तो है साथ में, आलिया भट्ट। तो कहीं कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है, राजन को कुछ नहीं हो सकता है। आलिया भट्ट जिसके साथ हो, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। आज दीपक नहीं है क्या? दीपक आज ये चीज याद रखिएगा कि ये जो फैमिली है, जिंदगी की हर जंग में आपके साथ रहेगी। परिवार का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, कभी सिंगल होगा, कभी ज्वाइंट होगा, लेकिन परिवार जो है हमेशा आपके साथ रहेगा। जीत जाएंगे हम तो अगर सब।
और सोचिए, जो इंसान कोरोना पॉजिटिव है, कोई कह सकता है कि राजन कोरोना पॉजिटिव है? नहीं कह सकता कोई। कल एक वॉरियर की तरह जो है अपनी बात रख रहे थे, एक वॉरियर की तरह ये हमेशा अपनी बात रखते हैं। चलिए, परिवार के ऊपर जो है एक प्रश्न दे दूंगा मैं आज आप लोगों को, उसके ऊपर जरूर लिखिएगा कि जिंदगी के जो हित होते हैं, जो आपके हित होते हैं, वो क्या फैमिली के बिना पूरे हो सकते हैं? आपके जिंदगी के जो भी हित हैं, 1 से लेके 100 तक, बिना परिवार के कभी भी पूरे नहीं हो सकते। कभी नहीं यानी कि पूरे तो नहीं हो सकते, बाधाएं आएंगी, पूरा तो कर लेंगे लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी। आज आप जिंदगी में लड़ रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, तो वो फैमिली की वजह से। आज आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, या फिर कल यूपीएससी का इंटरव्यू देंगे, प्रीलिम्स एग्जाम देंगे, तो ये सिर्फ क्यों हो पाएगा? क्योंकि फैमिली आपके साथ है, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। और कभी भी जाने अनजाने में परिवार के खिलाफ जाने से पहले आपको ये सोचना होगा कि हम विरोध कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जिंदगी में ऐसे मोड़ आएंगे जब आप अगेंस्ट भी जाएंगे, और अगेंस्ट जाने से पहले इस लेक्चर को जरूर याद रखिएगा, इन बातों को जरूर याद रखिएगा कि हम विरोध कर भी रहे हैं तो किसका कर रहे हैं, और ये विरोध कितना उचित है। कहीं ऐसा ना हो कि विरोध करते करते जिंदगी की के सफर में कितना पीछे ना हो जाए। ये चीज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो जिंदगी है बहुत खूबसूरत है सिर्फ फैमिली की वजह से। क्या कोई व्यक्ति अकेले घूमने जाता है? क्या आप अकेले कहीं घूमने जाना पसंद करेंगे? नहीं। कभी भी नहीं। कभी ऐसा लगेगा इंडिविजुअल, कभी ऐसा लगेगा लेकिन आप सभी कभी ना कभी घूमने जाना जरूर पसंद करेंगे फैमिली के साथ, क्योंकि कोई तो अपना होना चाहिए, है ना? हर किसी की गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट जैसी नहीं होती ना, तो फिर बात अलग है ना? हर कोई चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है आलिया भट्ट की तरह हो। अब राजन जैसी किस्मत नहीं होती कि राजन जैसी किस्मत सबकी हो। दीपक भी यही चाहते थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब राजन की किस्मत अच्छी है। हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं, हमारी किस्मत पे मत जाइए। हमारी किस्मत तो यूपीएससी लिखेगा कि जाना कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार, अच्छा, जितनी लिबर्टी हम देते हैं उतनी कोई क्लास में देता नहीं होगा। इसीलिए तो आप लोग खुश रहते हैं। हाँ, अब हम लोग आगे क्वेश्चन के ऊपर, आप लोग समझेंगे, क्वेश्चन समझने की कोशिश कर लीजिए थोड़ा सा, है ना? क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर लिखने की कोशिश करिएगा, 200 शब्दों में लिखिएगा, ठीक है ना?
परिवार के बिना व्यक्ति समाज में किन बाधाओं का सामना करता है? ये 250 शब्द में लिखना है। परिवार एक व्यक्ति के विकास के लिए कितना उपयोगी है? परिवार के बिना व्यक्ति समाज में किन बाधाओं का सामना करता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। परिवार समाज के विकास की प्रमुख इकाई है। स्पष्ट कीजिए। दो सौ शब्द। क्या आप लोग इस पे आंसर लिख सकते हैं? लिखिएगा जरूर, है ना? लिखेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे, आप लोग एसे के लिए भी तैयार हो जाएंगे, एथिक्स के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे विद एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपको एथिक्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस भी अप्लाई होती है ना, क्योंकि परिवार में कभी क्या होता है। हाँ, अक्टूबर में मेरा कोर्स लॉन्च हो गया है, एसे का कोर्स भी लॉन्च हो गया है, इंटरनेशनल रिलेशन का भी कोर्स लॉन्च हो गया है ना, प्रोफाइल पे शो कर रहा होगा। तो मैं दिसंबर में, अगर मैं छोड़ के जाऊंगा, अगर मैं छोड़ के जाता हूँ अनअकैडमी, तो वो मैं दिसंबर में छोड़ के जाऊंगा, तो उसके लिए आप लोग अभी से बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ, इनरोल कर लीजिएगा, बस ये आप लोग अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, लेकिन जिंदगी रहेगी तो हम लोग हमेशा टच में जरूर रहेंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ से छोड़ के जाने के बाद भूल जाऊंगा, ऐसा कभी होगा नहीं। और जिंदगी में कुछ लोगों से खास रिश्ता भी है जिनको कभी नहीं छोड़ा जा सकता है। मीनल और कमलेश, पहले दिन से जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था तब से आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग मिलेंगे रात में 9 बजे। आज से इकोनॉमी का कोर्स लॉन्च हो रहा है। इकोनॉमी को हम लोग करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से भी देखेंगे, ताकि आप लोग प्री मेंस और करंट अफेयर्स, इन तीनों चैलेंज को आप पूरा कर सकें। बहुत ही शानदार कोर्स है, बहुत ही शानदार पीपीटी बनी हुई है, तो आपको बस उस कोर्स को एंजॉय करना है। इकोनॉमिक्स का जो डर है ना, उसको अपने जीवन से निकाल के आज की क्लास में आना है। 9 बजे से अब शुरू होगी, रात में आप लोग फ्री भी हो जाते हैं। मिलेंगे फिर रात में 9 बजे। सब लोग समय का ध्यान रखेंगे, आज तक अच्छे से नहीं पढ़े, आज तक नहीं पढ़े, अब पढ़ने का मौका है, पढ़ लीजिएगा। और पहली बार ऐसा मौका मिला है कि मैं 2 महीने इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, जहां पर मेरे पास पूरी इंडिपेंडेंस है इतनी डिटेल में पढ़ाने का। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी तो हमेशा समय सीमा रही है, लेकिन अब ऐसा मौका रहेगा जहां पर मेरे पास समय सीमा नहीं रहेगी, मैं समय के बहाव में नहीं रहूंगा इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय। तो उस कोर्स को डेफिनेटली जरूर ज्वाइन करिएगा, जो रात में आज 9 बजे से शुरू हो रहा है। बाकी जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको भी जरूर अवगत करा दीजिए कि ये कोर्स जो है बहुत हेल्प करने वाला है। पहली बार इतना लंबा कोर्स आ रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स का। थैंक यू सो मच। जय हिंद।